हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे वो कर रहे थे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। उसके ऊपर अपने न्यूमेरिकल किए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ऐसे कहता है कि अगर किसी चीज में नेट फोर्स अगर जीरो है तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा ना, यूनिफॉर्म मोशन करेगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर नेट फोर्स जीरो तो ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, ना स्पीड बढ़ा सकता है ना स्पीड घटा सकता है, ना रेस्ट से मोशन में आ सकता है ना मोशन से रेस्ट में आ सकता है। या मैं इसका रिवर्स बोल दूं, अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितने है, भाई जीरो है, है ना। इसमें अपन ने वर्क करके स्ट्रिंग में टेंशन निकाली थी, नॉर्मल की वैल्यू निकाली थी, है ना, इंक्लाइन प्लेन पे भी निकाल लिया था और कुछ और भी न्यूमेरिकल किए थे, है ना कुछ। अब देखिए और देखिए जैसे कि मैंने मान लिया कि एक कुछ ऐसा स्पेस है, ये हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, ये मान लीजिए ये वाला एंगल है, ये है 45 डिग्री, है ना। इसके अंदर यहां पे एक स्फीयर डला हुआ है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो है 1 मीटर और इसका मास है 2 kg। तो देखो अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर पे एक तो इधर नॉर्मल लग रहा होगा, स्फीयर की बात करूं तो इधर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और दोनों सरफेस को सेपरेट करने की कोशिश करता है, ये किस पे है, स्फीयर पे, है ना। इस वाले सरफेस पे इधर लगेगा नॉर्मल, ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है n1 और ऐसे इस सरफेस पे लगेगा, ये लगेगा n2, तो दो नॉर्मल लगे। तो आपसे क्वेश्चन है कि फाइंड n1 एंड n2, आपको दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। देखो अगर बात ये स्फीयर है, अगर मैं बात करूं इस वाले सरफेस की ऊपर वाले की, है ना, तो ये एंगल कितना दे रखा है भाई 45 डिग्री और नॉर्मल लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर आप हल्की सी हॉरिजॉन्टल लाइन इधर खींचें तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, और अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। यानी जो ये वाला नॉर्मल लग रहा है n1, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे लगेगा। दूसरा ये वाला देखो, ये अगर मैं बात करूं कि ये एंगल मान लीजिए है 30 डिग्री और स्फीयर आपका यू रखा हुआ है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई n2 की, सेंटर से पास होंगे ना, नॉर्मल किससे पास होंगे, सेंटर से, क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर क्या होता है, अलोंग द रेडियस होता है, ठीक है। n2 अगर यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये वाला एंगल जो होगा, अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये होगा 60 डिग्री, ओके। यानी ये वाला नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से 60 भी लग रहा है और ये वाला नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री भी लग रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट मास बना लेता हूं। देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 3, एक तो लग रहा है mg यानी 20 न्यूटन नीचे, और ये मैं बना लेता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाला जो लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल से नीचे लग रहा है 45 डिग्री पे, ये लग रहा है n1 45 पे, और ये दूसरा लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ लग रहा है 60 डिग्री पे। यानी ये कुछ ऐसे लग रहा है, ये एंगल ये नॉर्मल n2 और ये एंगल हो गया आपका 60, कुछ ऐसा दिया हुआ आप, है ना, ये 30 तो ये 30 तो ये 60, 3 फोर्स हो गए। क्या ये रेस्ट में है, यस सर। तो सभी फोर्स के आप कंपोनेंट बना लीजिए x और y डायरेक्शन में। देखो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा n1 cos 45 और इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा n2 cos 60। इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर कितना आएगा n1 sin 45 और इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर, ये आएगा n2 sin 60। ओके, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स x डायरेक्शन में, आपका तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, वो x में भी सभी कंपोनेंट का सम कितना आना चाहिए जीरो और y में भी कितना आना चाहिए जीरो, तब नेट फोर्स जीरो होगा। तो x में कितने लगे, एक तो ये लगा और एक ये लगा, ये x डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहे हैं, इसका कंपोनेंट इधर इसका कंपोनेंट इधर, तो x में जीरो होने के लिए क्या ये दोनों डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होने चाहिए। तो n1 cos 45 पे ये होती है भाई 1/√2 = n2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा n1 = n2 और ये नीचे बच जाएगा, यहां से कट कर लो √2/√2, इक्वेशन नंबर 1। अब y डायरेक्शन में बैलेंस करो, तो y डायरेक्शन में नीचे ये दो फोर्स लगे हुए हैं, कौन कौन से, 20 प्लस n1 sin 45, n1 sin 45 वैल्यू 1/√2, ठीक है,
और ऊपर की तरफ लगा हुआ है एन टू साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी होता है रूट थ्री बाई फोर, ठीक है। अच्छा एन वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो गया ट्वेंटी प्लस एन वन की जगह एन टू बाई रूट टू, ये एन टू बाई टू हो जाएगा और इधर हो गया आपके पास एन टू रूट थ्री बाई टू, बोलो सही है। तो यहाँ सोल्व करके आप एन टू की वैल्यू निकालो तो इसको उस तरफ लेके जाओ तो आपके पास कितना होगा ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी, इसको उधर लेके गए तो एन टू तो कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास रूट का थ्री माइनस का वन, एन टू बाई टू कॉमन ले लेना, देखो इसको इधर ले जाओ एन टू बाई टू कॉमन आ जाएगा तो ये तो इधर बचेगा रूट थ्री और इसमें से बचेगा वन, ठीक है बचा तो आपके पास जो आंसर है वो आ गया फोर्टी अपॉन रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू एन टू, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हो फोर्टी इंटू रूट थ्री प्लस वन और नीचे भी रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा टू, इसको रूट थ्री प्लस वन से ऊपर मल्टीप्लाई रूट थ्री माइनस प्लस वन से नीचे मल्टीप्लाई तो नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा टू और ऊपर वाला ये था, तो आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो एन टू की वैल्यू, और एन टू की वैल्यू आपको पता चलेगी ट्वेंटी रूट थ्री प्लस वन तो एन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन वन की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी बाई रूट टू रूट का थ्री प्लस वन, तो ऐसे नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो आपका नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए, है ना। और देखिए और देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, ठीक है, ये मान लीजिए है 5 केजी का, ये इसका मास है, ठीक है, और इसकी रेडियस भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने एक सपोर्ट लगाया जिस सपोर्ट पे रखा हुआ है, एक सपोर्ट है ऐसा और एक सपोर्ट है ऐसा थोड़ा नीचे, है ना। ये ऐसी पोजीशन है, मान लीजिए ये सेंटर है, ये सेंटर लाइन से 3 सेंटीमीटर नीचे है, ये इसी सेंटर लाइन से 4 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। तो अभी रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसमें फोर्स कितनी लगेगी, एक तो भाई नॉर्मल लगेगा यहां से इस डायरेक्शन में एन वन, एक लगेगा यहां से नॉर्मल एन और एक लगेगा भाई आपका नीचे एम, यानी तीन फोर्स लगेंगे भाई आपके, ओके। और ये चीज कैसी है, इक्विलिब्रियम में आपसे वही क्वेश्चन एन वन और एन टू निकालिए, है ना, नॉर्मल की वैल्यू। तो देखिए जरा, देखिए पहले कुछ ज्योमेट्री से एंगल निकाल लेते हैं फिर ये बनाएंगे, बोला। अच्छा जी देखिए ये डिस्टेंस भाई आपकी फाइव रेडियस है, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है थ्री, ये थ्री सेंटीमीटर नीचे है ये थ्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री, ठीक है। ऐसे अगर आप इस पॉइंट को कनेक्ट करें सेंटर से, है ना, और ये पॉइंट कितना नीचे 4 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये एंगल हो गया 53। एन वन लगेगा इस लाइन के लॉन्ग, एन टू लगेगा इस लाइन के लॉन्ग, सेंटर से पास होंगे ना, और एम जी लगेगा वर्टिकल नीचे। तो अगर इसका एफ बी डी बनाऊ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ, तो ये तो मान लो आपका स्फीयर है और नीचे लगा एम जी, एम जी कितना हो गया भाई 50, ठीक है। एक जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे है, हॉरिजॉन्टल से 37 पे, ये एन वन, ये 37 पे, ये वाला जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से 53 पे है, ये हॉरिजॉन्टल से 53 पे है, ये 53 हो गया एन टू, ये 53। अब सभी फोर्स का सम कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है आपका रेस्ट में है। अच्छा जी चलिए देखिए, तो मैंने कहा ये एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट डालो, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा एन वन कोस 37 और दूसरा कंपोनेंट आएगा इसका इस डायरेक्शन में एन वन साइन 37, ठीक है। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इसका इधर आएगा एन टू कोस 53 और इसका इधर कंपोनेंट आएगा एन टू
साइन 53। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है कोस आता है, दूसरी तरफ कितना आता है साइन। अब बैलेंस कर लो तो एक्स डायरेक्शन में तो एक ये फोर्स आया और ये फोर्स आया। अब ये दोनों अपोजिट तो आ रहे हैं, इक्वल और होने चाहिए क्योंकि एक्स में भी जीरो वाई में भी जीरो। तो आपके पास एन टू कोस 53, कोस 53 होता है 3/5 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एन वन, कोस 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने किया था जिसमें ये एकदम सेम लेवल से टच में थे ना, सेम हाइट पे। अब ये सपोर्ट ऊपर नीचे है, अगर देखो सेम एंगल पे टच होते तो यहाँ पे 53 होता, तो यहाँ पे कितना होता 53 होता। तो देखो 53 से 53 पूरा कट जाता तो n1 बराबर n2 आता। देखो उस क्वेश्चन में आया था जब अपन ने दोनों सपोर्ट बराबर लिए थे। अब इसमें सपोर्ट बराबर हाइट पे नहीं है इसलिए n1 n2 थोड़े अलग अलग आएंगे। तो 5 से 5 कैंसिल, आपके पास n2 की जो वैल्यू आई वाई 4/3 n1 इक्वेशन नंबर 1। एक्स डायरेक्शन में फोर्स आपने जीरो कर लिए। अब वाई डायरेक्शन में जीरो कीजिए, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? एन वन साइन 37 की वैल्यू 3/5 प्लस एन टू साइन 53 की वैल्यू 4/5। साइन 53 कितना होता है 4/5 और नीचे की तरफ कितना आ रहा है इक्वल टू 50। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 5 कॉमन ही ले लो और इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब यहां से n2 की वैल्यू इसमें रख दो तो n1 आपके पास आया 3n1 प्लस n2 की वैल्यू रख दो 4/3 यानी 16/3 n1। ये n2 की वैल्यू उठा के यहां पे रख दी तो 4 से मल्टी 4n2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 16/3 n1 इक्वल टू 250। सॉल्व करोगे तो देखो ये 3 × 3 कितना होगा 9, तो ऊपर होगा 25 n1/3। ऐसे मिल गया 3 × 3 9 इसमें जोड़ोगे तो 25 इक्वल टू 250। सोल्व करोगे तो ये कैंसिल, ये कितनी बार गया 10 टाइम्स। तो n1 की जो वैल्यू आपके पास आई वो आई आपके पास 13 मीटर, दिस n1। अच्छा जी n2 के लिए देखें, n2 वैल्यू 4/3 n1 यानी 30। सोल्व कर लीजिए 14। ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके चलिए, अब न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले कुछ एक छोटी सी टर्म है मोमेंटम, वो पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ से किसकी डेफिनेशन आई थी, फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सेकंड लॉ से आता है ना, एफ इक्वल टू एम ए, ये सेकंड लॉ है आपका। इससे फोर्स का मैथमेटिकल जो इक्वेशन होती है वो आती है। डेफिनेशन कौन देता है फोर्स की, फर्स्ट लॉ। तो क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब फोर्स एक ऐसी चीज है जो स्टेट में चेंज कर सकती है। ओके चलिए, मान लीजिए, चलो पहले मोमेंटम पढ़ लेते हैं। मोमेंटम इसको पी से लिखा जाता है, ठीक है, और पी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, इज द मोमेंटम। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट होगी वो होगी जो इसकी कितनी केजी और इसकी कितनी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड, कि माइनस नहीं है इंटू है ना, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो दो, चाहे आप ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, ये इसकी यूनिट है ना। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, आपका मोमेंटम। ओके अच्छा जी, जैसे देखो आप, मैं अगर हिसाब से बताऊं कि मैं आपसे बोलूं कि आपके सर के ऊपर मैंने एक तो 50 ग्राम की चीज रखी और एक 5 kg की रखी, कौन सी से ज्यादा फोर्स लगेगा, कौन सी ज्यादा फोर्स लगाएगी? तो 5 kg वाली लगाएगी, सिंपल सी बात है ना। पर अगर ये मान लीजिए 50 ग्राम की बुलेट है और ये 5 kg, तो आप 5 kg रखूंगा और ये 50 ग्राम की बुलेट को अगर मैं गन से चला दूं तो देखो फिर ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, ये ज्यादा असर डालेगी ना। तो मास इसका ज्यादा है इसका, अभी दोनों जब ब्रेस्ट में थी सिर्फ सर पर है तो ये ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। पर देखो
अगर इसको बुलेट को गन से चला गया तो ये ज्यादा इफेक्टिव, यानी जो इफेक्ट डलेगा वो इफेक्ट नॉट ऑन ओनली द फंक्शन ऑफ मास, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी आल्सो, कि कितनी वेलोसिटी उसके पास है ना। जैसे कि मान लीजिए एक मैं एक किलो का कोई मतलब चीज लू, उसको टेबल पे रखूँ तो रखी जाएगी आराम से, और उसी एक किलो चीज को बहुत ज्यादा हाइट से छोड़ दूँ तो हो सकता है वो टेबल पे गिरे, उसमें टेबल टूट भी जाए। तो देखो दोनों केस में मास तो 1 kg रहा, बट दोनों केस में अलग क्या था, स्ट्राइक करते टाइम की स्पीड, ये ठीक है। तो कितना इफेक्ट डालेगी, कितना फोर्स लगाएगी, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि मास के साथ साथ उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। वही 1 kg की चीज थी, आपने चुपचाप रखी और एक बहुत हाइट से डाली तो टेबल टूटी गई, तो कितना फोर्स वो चीज लगाएगी वो डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। तो मास और वेलोसिटी कॉम्बिनेशन से एक नई टर्म बनाएगी जिसको बोला गया मोमेंटम, इसको लिखा गया इसे एक ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने ऊपर फेंका 50 m/s से, ठीक है 50 m/s से, तो ये कुछ ऊपर जाएगा फिर आगे नीचे गिरेगा। मैं कहूँ कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा, h max, तो कितना होगा u² / 2g, तो u का स्क्वायर कितना हो गया 2500 अपॉन 2g, कितना हो गया भैया आपका 2 × 10 = 20 हो गया, कैंसिल कर लो, ये हो गया 125, ये 125 m ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए 1 kg का है, इसका मास है 1 kg, तो मैं कहूंगा जब इसको फेंका था तब इसका मोमेंटम कितना था, तो फेंका उस टाइम इसका मोमेंटम कितना था भाई, मास इनटू वेलोसिटी, यानी 50, मोमेंटम की वैल्यू 50 N/s थी। मैंने कहा जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो ये मोमेंटम क्योंकि यहां पे आके तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो मोमेंटम भी कितना हो गया जीरो। अब मैं कहूं कि जब ये हाफ हाइट पे था तब मोमेंटम कितना था, तो कोई दिक्कत नहीं, जब ये हाफ हाइट पे, यानी इसका हाफ कर लीजिए, जब ये इस हाइट पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए आप, है ना। अच्छा तो मुझे बताइए जब ये जाते टाइम इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी, आते टाइम भी वही वेलोसिटी रहेगी, तो आते टाइम निकालोगे थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हाफ हाइट के लिए होगा 62.5, ठीक है, और आप बता दीजिए s = ut + ½ at², क्योंकि मुझे पता है जाते टाइम जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वही आते टाइम भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, मान लीजिए ये है u1, तो मैंने आते टाइम की निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट आते टाइम कितना हो जाएगा 62.5, u कितना है आते टाइम यहां से 0, ½, g की वैल्यू कितनी 10 × t², ठीक है ओके। चलो टाइम निकाल दिया आप, तो वेलोसिटी निकालिए ना, तो थर्ड इक्वेशन लगाइए आप v² = u² + 2as, क्योंकि आपको तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, तो v कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, मान लीजिए यहाँ पे u1 है तो u1 + 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ से चला था जब 0 प्लस का 2, a की वैल्यू कितनी होगी 10, और ये कितना हो गया 62.5 डिस्प्लेसमेंट, तो 62.5 ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट ओके। चलिए जी अब देखिए U1 की वैल्यू हो गई आपके पास, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना हो गया 10 से 625 × 2 × u², तो U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रूट ले लो, तो इसका तो 25 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा √2, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होगी, तो मोमेंटम कितना हो गया इस पॉइंट पे m × u1, m कितना 1 kg, 25 √2, ये मोमेंटम हो गया ओके, यूनिट न्यूटन इनटू सेकंड है, kg/s, ठीक है। तो ऐसे मोमेंटम निकालने की खास बात नहीं, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई भी अब तक अपन ने जितने मैकेनिक्स में क्वेश्चन किए हैं तो अपने तो वेलोसिटी निकाली ना जगह जगह पे, इंक्लाइन प्लेन पे, प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो किसी भी पॉइंट पे वहां पे मोमेंटम भी पूछ सकता है अगर मास दे देगा, तो वेलोसिटी तो आपको निकालनी आती है, तो वेलोसिटी पहले ही करके निकलेगी, मास से मल्टीप्लाई कर तो मोमेंटम आ जाएगा, बोलो सही क्या। अच्छा जी इसके बाद देखिए सेकेंड लॉ, सेकेंड
सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए कोई जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम और ये यू स्पीड से जा रहा था, मान लीजिए मैंने इस पर एफ फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स, फोर्स लगाते हैं वही स्पीड बढ़ी, अपने आप तो स्पीड चेंज नहीं हो सकता था, पर आपने फोर्स लगाया है तो स्पीड चेंज हो गई, वो मान लीजिए हो गई भी, तो स्पीड चेंज हुई है तो मोमेंटम भी चेंज हुआ होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है एम यू और फाइनल मोमेंटम कितना है ये है एम वी, बोल सही है। अच्छा यहां से यहां तक ये मोमेंटम चेंज होने में मान लीजिए टाइम लग गया, ठीक है। तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इतना मोमेंटम चेंज हुआ इस फोर्स की वजह से। अब ये फोर्स जितना ज्यादा होगा ये मोमेंटम जो चेंज है उतना ही जल्दी हो जाएगा, टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे फटाफट भी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, कम फोर्स लगाओगे तो धीरे धीरे वेलोसिटी एक्वायर करेगा इतनी भी। तो ये जो मोमेंटम में चेंज फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है मोमेंटम चेंज की जो रेट है वो भी बढ़ जाती है। मोमेंटम चेंज की रेट यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे तो डीटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। तो इसको ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोला गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि the net force acting on an object is directly proportional to rate of change of momentum, या आप सिंपली बोल सकते हो the rate of change of momentum is directly proportional to applied force, जो मोमेंटम के चेंज होने की रेट है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आप इसको हटा देंगे आप लिखेंगे F is equal to, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा और कॉन्स्टेंट की वैल्यू बेटा 1 आती है, इसलिए F is equal to हो जाता है dP by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, ये वेक्टर हो गया। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में आती है, dP वेक्टर यानी चेंज इन मोमेंटम, फोर्स मोमेंटम की डायरेक्शन में होना कोई जरूरी नहीं है, पर वो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन होती है मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन, ओके। चलिए जी और देखिए, तो सिंपली सा आपके पास जो सेकंड लॉ है वो हो गया एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूं स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ का अगर मैं पी और टी ग्राफ का पी और टी के बीच में आपको ग्राफ दे दूं तो उस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो स्लोप ही क्या बताएगा बेटा, फोर्स बताएगा, ओके। या मैं इसका अपोजिट बोल सकता हूं डीपी इक्वल टू एफ डी टी, या इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर दो, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, जो एफ टी ग्राफ का जो आपका एरिया होगा वो क्या बताएगा बेटा, ये चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो एफ टी ग्राफ दे रखा है उसका एरिया निकाल दोगे तो एफ टी ग्राफ का एरिया बताता है चेंज इन मोमेंटम, क्या बताता है टोटल चेंज इन मोमेंटम, और पी टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है बेटा आपको, ये बताता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओके जी। हाँ अच्छी बात है। अच्छा जो चेंज इन मोमेंटम है इसको कई बार इंपल्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंपल्स, ये वैसे मैं आपको अलग से करवा दूंगा इंपल्स, पर आप ध्यान रखिए इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ एफ टी ग्राफ का एरिया इंपल्स बताता है, ओके। चलिए और देखें, तो मैंने आपसे सिंपल सी बात करी कि एफ इज इक्वल टू होता है dP by dt, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, एवरेज फोर्स होता है एवरेज फोर्स डेल्टा P, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, ये होता है आपका एवरेज फोर्स, और ये कैसा होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा जी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई P तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, P कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, मान लीजिए मैं P वेक्टर को ऐसा लिखूं T x i कैप
प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो जो डीपी बाई डी टी होगा वो कितना होगा, ये होगा डी पी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी पी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी पी जेड बाई डी टी के कैप। देखिए ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो गया भाई फोर्स और ये कितना हुआ, इसको लिखते हैं एफ एक्स, फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कम। देखिए वेक्टर क्वांटिटी की ये बहुत बढ़िया चीज है कि वेक्टर क्वांटिटी को आप कभी भी उसको अलग अलग डायरेक्शन के अंदर उसके कंपोनेंट बना सकते हैं। तो अगर मुझे फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो एक्स में मोमेंटम के चेंज की रेट निकालो, वो फोर्स का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा। ये एफ एक्स किसको लिखा है आपने, इसको, ऐसे एफ वाई कितना हो जाएगा डी पी वाई बाई डी टी, और ये एफ जेड कितना हो जाएगा डी पी जेड बाई डी टी। यानी किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम के चेंज की रेट निकाल लो तो मोमेंटम के चेंज की जो रेट है वो क्या बताती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट, टोटल मोमेंटम के चेंज होने की रेट टोटल फोर्स बताती है। और एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप मोमेंटम के चेंज की रेट देख रहे हो तो वो उस डायरेक्शन में उस फोर्स का कंपोनेंट बताएगी। यानी एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होगा डी पी एक्स वाई डी टी, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो होगा डी पी वाई बाई डी टी, और जो जेड डायरेक्शन में फोर्स होगा उसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा डी पी जेड बाई डी टी। ठीक है, अच्छा जी और देखिए, अब देखिए मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लगाया जिसका मास एम था वेलोसिटी यू थी, और ये यहां पे मास एंड वेलोसिटी भी होगी। मान लीजिए आपने इस पे फोर्स लगाया एफ, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई या मैं कहूं मोमेंटम चेंज हो गया इसका। ओके चलिए, एक छोटी सोचने वाली बात ये है कि देखिए फोर्स लगाने से यू से वी तक वेलोसिटी होगी, मान लीजिए टी टाइम लग गया जो भी लग गया। ओके अच्छा, तो यहां पे वेलोसिटी अलग है, यहां पे वेलोसिटी अलग है, हां, और जो मास होता है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। m इक्वल टू होता है m नॉट 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन। ये मास होता है इसको बोलते हैं रेस्ट मास, जब ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है तो ये उसका मास है। अगर v स्पीड से चल रहा है तो उसका मास फिर इतना नहीं रहेगा जितना, यानी जैसे अपन रेस्ट कंडीशन में खड़े होकर अपना वेट मेजर करेंगे तो अलग आएगा, और वहीं अपन मूविंग कंडीशन में मेजर करेंगे तब अपना मास अलग आएगा। पर फिर भी यहां पे जो सी स्क्वायर है ये है आपका लाइट स्पीड, सी क्या है लाइट स्पीड, उसका भी स्क्वायर, यानी ये है 9 × 10⁻⁶, और अपनी जो जनरल लाइफ में जो जिस स्पीड से अपन कार बस वगैरह में जो चलते हैं वो इसकी कंपेरिजन में बहुत कम है। तो v हो अपनी जो जनरल लाइफ है उसमें v इज लेस देन c होता है, लाइट स्पीड से बहुत कम, इसलिए इस टर्म को मैं नेगलिजिबल मान लेता हूं। तो m की वैल्यू m नॉट की आती है, यानी जिस वेलोसिटी से अपन चलते हैं तो उस इतनी वेलोसिटी की रेंज के लिए मास को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो यहां से यहां तक जब ये ऑब्जेक्ट आया है, ये जो ग्लोब आया है, तो दोनों जगह इसका मास सेम माना जा सकता है, जबकि दोनों जगह इसकी वेलोसिटी अलग अलग है। ओके अच्छा, मास कांस्टेंट माना मैंने, है ना, अब मैंने कहा भाई फोर्स की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर जी फोर्स तो कितना होता है सर डी पी बाई डी टी, बोलो है फोर्स डी पी बाई डी टी। ओके चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो डी पी चेंज इन मोमेंटम कितना होगा भाई एम वी माइनस एम यू, मान लीजिए यहां से यहां तक आने में टी टाइम लग जाए तो अपॉन टी, इसको अगर आप कॉमन ले लेंगे एम को तो आप लिख सकते हैं वी माइनस यू बाई टी, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी इक्वल टू होगा यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो v माइनस यू बाई टी इक्वल टू होता है a, तो आप f इक्वल टू लिख सकते हैं में। ध्यान रहे ये कब है, जब आपने मास को कांस्टेंट माना है, है ना जी। अच्छा जी, तो f इक्वल टू कितना होता है ma, जब क्या कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो, है ना। इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, देखो क्योंकि आप जानते हैं मोमेंटम तो कितना होता है p, p इक्वल टू होता है देखो mv होता है, और फोर्स निकालना है तो मुझे क्या निकालना है dp by dt निकालना है, वो निकालना है। अच्छा जी, तो आप d by dt और यहां पे लिख लो mv, क्या दो अलग अलग क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, यस सर। तो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है,
फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ एफ। अब मैं कहूं इफ मास इज कॉन्स्टेंट, जो अपने हमेशा रहेगा, है ना, 99% केस में कुछ क्वेश्चन आएंगे वेरिएबल मास सिस्टम के जिनमें मास भी चेंज होता रहता है, जैसे रॉकेट, रॉकेट जैसे चलता जाएगा पीछे से उसके गैस बाहर निकलती जाती है ना, फ्यूल बर्न होता जाता है, निकलती जाती है, तो मास क्या होता जाता है, कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है ना, तो उनको बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम, है ना। पर अगर वेरिएबल मास सिस्टम नहीं है, अगर मास कॉन्स्टेंट है मोशन के दौरान, तो एफ की वैल्यू जो होगी वो होगी एम डीवी बाई डीटी की वैल्यू कितनी ए, और मास अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया जीरो, इसलिए ये हो गया एफ इक्वल टू एम ए। पर ये कब है, जब मास कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल मास सिस्टम हुआ तो वेरिएबल मास सिस्टम में तो भाई ये टर्म होगा ही, है ना, बाकी कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए एफ इक्वल टू एम ए, एक और रिलेशन अपने पास आ गया, है ना। चलिए थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसने 10 सेकंड में स्पीड एक्वायर कर ली 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस ब्लॉक में। तो मैंने कहा बताओ फोर्स कितना लगाया आपने, ठीक है, तो फोर्स हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, या मैं सिंपल एफ इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू कितनी 2 इंटू ए, तो क्या आपको ए ए चाहिएगा, यस सर, ए कहाँ से निकालो, पहले ही करें निकालो भाई, वेलोसिटी एक्सीलरेशन ये तो अपन पहले निकाल ही चुके ना, पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ा है, तो आप सिंपल सी इक्वेशन लो v इक्वल टू यू प्लस 80, अब v इक्वल टू यू प्लस 80 है तो v की वैल्यू कितनी 100, u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू कितनी निकालनी है, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो मेरे हिसाब से a की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो यहाँ पे रख दीजिए, ये 2 × 10 ये हो गया आपका न्यूटन, और ये वैल्यू आ गई 20 N फोर्स के, ना फोर्स की यूनिट कितनी होती है भाई, इसकी होती है केजी, ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अपन क्या बोलते हैं न्यूटन भी बोलते हैं फोर्स के, ठीक है। अच्छा तो फोर्स के लिए कितनी आ गई 20 N, तो जब भी आपको फोर्स निकालना पड़ेगा तो आप तो क्या निकाल लीजिए, आप तो एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, कैसे भी करके काइनेमेटिक्स लगा के, और फिर एफ इक्वल टू एम ए। अब देखो यहाँ की जगह टाइम की जगह मान लीजिए, इसी क्वेश्चन में टाइम की जगह मैं आपको कह रहा कि इसने मान लीजिए 10 मीटर चलने पर इतनी स्पीड एक्वायर कर ली 100, ठीक है, या 1 किलोमीटर मान लो उसको, 1 किलोमीटर चलने पर इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, ठीक है। अब मैं पूछता सेम क्वेश्चन, तो अब आप थर्ड इक्वेशन लगा देते v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, चाहिए तो अब भी आपको a ही चाहिए ना, आप तो v की वैल्यू कितनी भाई 100, 100 का स्क्वायर 20, u कितना है आपका 0 प्लस 2a निकालना है, s की वैल्यू कितनी है 1000, 1 2 3 1 2 3, 2 से कट कर लो 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 5, तो m की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 रखते तो कितना आ जाता है 10। अगर मैं आपको डिस्टेंस देता तो वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, यानी आपको निकालना काइनेमेटिक्स लगा के ए है, एक बार निकाल लीजिए, उसके बाद आप फोर्स सीधा कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। चलिए जी दूसरा क्वेश्चन देखो सिंपल सा, मैंने कहा ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लगाया मैंने 20 N, और ये एंगल था 37, ठीक है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट इधर चलने लगता चल ही रहा है ना ए एक्सीलरेशन से, तो मैंने कहा बताओ ए कितना होगा, ठीक है, तो ऐसे केस में, और दूसरा मैंने पूछा बताओ नॉर्मल कितना लगना होगा। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले जब भी ऐसे एंगल पे फोर्स होगी तो फोर्स के 2 कंपोनेंट ना लो, एक इधर और एक इधर, इधर कंपोनेंट ना होगी तो ये आएगा cos 37 और ये कंपोनेंट आपका आएगा 16 और ये वाला कंपोनेंट आएगा 12। अब ना लो FBD, FBD में ऑब्जेक्ट 2 किलो का है, इस पे इधर फोर्स कितना है 16 और इधर फोर्स कितना है 12 और इधर फोर्स कितना है mg यानी 20। बात समझ में आ गई, इधर फोर्स का कंपोनेंट कितना है 16, इधर 12 और नीचे के mg भी तो लगेगा, है ना, ये 3 फोर्स लग रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे चल रहा है इस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में तो चल ही नहीं रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में तो भैया नेट फोर्स कितने होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब नीचे 20 लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है 12, तो इसका मतलब बचा हुआ 8 कोण लग रहा है नॉर्मल, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस है तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगा होगा। तो ऊपर देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है एन और एक लग रहा है 12, और नीचे कितना लग रहा है 20। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 20 इक्वल टू होना चाहिए एन प्लस 12, तो ये कितना हो गया भाई, एन की वैल्यू कितनी हो गई 8 न्यूटन, यानी इस टाइम जो नॉर्मल लग रहा होगा वो लग रहा होगा आपके पास 8 न्यूटन, है ना। वापस से देखिए 20 न्यूटन 16 12, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम लाया तो 16 इधर 12 इधर 20 इधर, और ऊपर क्या लगा इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल भी लगा। अलो ये इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए जीरो, इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो। तो इस डायरेक्शन में अगर आप नेट फोर्स जीरो करेंगे तो देखो टोटल ऊपर वाला टोटल नीचे वाला, या आप सिंपल देख लो नीचे 20 है ऊपर 12 है, तो 8 न्यूटन और चाहिए ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए, बाकी 8 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड कराएगा नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आएगी 8 न्यूटन, ओके। अच्छा दूसरा मैंने बोला इस डायरेक्शन की बात करो, तो इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है देखो 16, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है जो इसको बैलेंस कर पाए, तो भैया इसको इस डायरेक्शन में तो चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आएगा, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का fx इक्वल टू लिख लो m a x, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, है ना, x डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना आ रहा है भाई 16, ये कितना है 2 और ये आ गया ax, तो ax की वैल्यू आ गई 8, कितनी आ गई 8। तो आपसे दो चीजें पूछी गई थी, इस 20 न्यूटन फोर्स लगा इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ, कितना एक्सेलरेशन होगा इसका इस डायरेक्शन में, और दूसरा नॉर्मल कितना लगेगा, नॉर्मल तो आप एफबीडी बनाओ निकाल लो, और फोर्स के लिए इस डायरेक्शन का फोर्स बताइए सर, और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता करना है तो एक्सेलरेशन पता कर लीजिए इसको, बड़ा हो जाएगा, ओके। चलिए इसके आगे क्वेश्चन सेकंड लोग में और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू स्टूडेंट्स।